व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने रही हूँ। घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, और 100 सब्सक्राइब पूरा करने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा मैंने सपोर्ट किए होते, दिल से थैंक यू मैं बोल रही हूँ आप सभी को। और मुझे माफ़ कर दीजिए, इतना लेट हो गया वीडियो देने पर, बहुत सारा प्रॉब्लम था मेरा, इसीलिए अब से हो सके तो मैं रोज या तो वीडियो देते रहूँगी। चलिए स्टार्ट करें। आज चिकन सूप बनाने जा रही हूँ मैं, और आपका सपोर्ट, आप लोग का सपोर्ट जैसे करते हैं वैसे ही कीजिएगा, और दिल से थैंक यू आप सभी को। आज मैं चिकन सूप बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने चिकन लिया है, चिकन को मैंने बॉइल कर लिया है, इसका पान रख दिया है मैंने, चिकन का बॉइल किया है, चिकन स्टॉक रख दिया है मैंने। और इसके लिए मैंने बीन्स को छोटा छोटा काट लिया है, गाजर है, यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन और पत्ता गोभी, अदरक लहसुन, टमाटर, प्याज, यहाँ पे मैंने खाने सॉस को सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और टमाटो सॉस के एक जगह करके रखा है। अंडा लिया है मैंने 2, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर, नमक और लहसुन पेस्ट लिया है मैंने, करीब आधा चम्मच यहाँ से लगेगा, ठीक है। और मैंने लिया है बटर। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर को गर्म कर होने के लिए रख दिया है। ऐसे ही ये गर्म होता है। इसमें मैं बटर दे दूंगी। अभी ठंडा का सीजन है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ये रेसिपी बहुत जल्दी भी हो जाएगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा, सिंपल है रेसिपी तरीके से मैं दिखा रही हूँ। मैंने बटर को दे दिया है इसमें, समय गर्म हो गया है, इसमें मैं लहसुन का पेस्ट करीब आधा चम्मच ले देंगे। उसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन जो मैंने काट के रखा था वो दे दे रही हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आप ही लोग हैं जो उसके सपोर्ट को मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। 100 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किया है। हल्का सा साइड डिश कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें गाजर ऐड कर दे रही हूँ। सॉरी, मैं इतना देर से वीडियो नहीं दे पा रही थी। मिला के थोड़ा सा गाजर भी और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए।
इसमें मैं थोड़ा सा नमक दूंगी क्योंकि मैंने चिकन जो बॉइल किया है स्टॉक में भी नमक है, इसलिए मैं इसमें हल्का नमक दूंगी। इसमें टमाटर इसीलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हल्का सा चिपका बन आएगा। हो गया हल्का सा फ्राई। अब इसमें मैंने जो चिकन स्टॉक रखा है उसको अभी मैं पूरा नहीं दूंगी, बाद में ये वाला ऐड कर दूंगी इसमें। अब इसको मैं तो एक विकल दे देंगे इसको। जब तक प्रेशर कुकर सीटी नहीं हो रहा तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर दीजिए। तो सारा भी बना दूंगी, देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसे लगी मेरी रेसिपी, और ज़रूर बनाइएगा घर में। और चिकन को इसमें दे दीजिए, इसके साथ में फ्राई कर लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, इसको सॉटे कर ले रही हूँ, टेस्ट आपका अच्छा आएगा। इसमें थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी। हल्का सा इसको सॉटे कर दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ये टेस्ट बहुत अच्छा आया है। हो गया, अब इसको बंद कर दीजिए। जो मैंने सब्जियों को बॉइल किया है उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। अब इसके लिए सारे चिकन और बंदा गोभी के जगह फ्राई किया था, वो भी दिखने रही है। और स्टॉक की इसमें सर
बताने जो है इसमें। देख रहा है कितना अच्छा लग रहा है इसमें, खाने भी जो इतने टेस्टी है। फ्रूटी दे देने से ना अच्छा मैश हो जाता है सब्जी सब, उसके बाद देने से ना अच्छा लगता है टेस्ट और भी ज़्यादा। इसमें मैं कई आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर दे रही हूँ, हल्का सा थिकनेस आ जाएगा इसमें। अब इसमें मैं एक दे रही हूँ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। आप लोग का सपोर्ट जैसे मुझे पहले मिला है वैसे ही मिलने से अच्छा होगा, तो आप ही लोग के चलते मैं इतना दूर तक आ सकूंगा। हो गया है, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। इसको प्लीज बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हो गया सूप भी, देखिए इसका कितने सुंदर अच्छा है। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर दिया ऊपर से और ब्रेड के साथ मैंने सर्व किया है। और इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नए नए रेसिपी का वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे व्यूवर्स, बाय बाय।